हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस जैसी इस गंभीर महामारी से अपने आप को भी सुरक्षित कीजिए और इस देश को भी सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। तो पिछली क्लास में हमने देखा था बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। हमने इस तरह से बिज़नेस की डेफिनेशन को रीड किया था कि बिज़नेस है क्या। बिज़नेस एक सेट ऑफ एक्टिविटी जो रेगुलर की जाती है या तो एक पर्सन के द्वारा या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हमने एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन को भी देखा और साथ साथ में हमने एक प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक डेफिनेशन को भी देखा, जहाँ हमने देखा कि बिज़नेस इज़ अ बंडल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर बिज़नेस में असेट्स है, लाइबिलिटी है, तो बिज़नेस है, वरना बिज़नेस में कुछ भी नहीं है। ये आपने क्लियर उस दिन देखा था। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, मीनिंग ऑफ गुड्स। जब हम बिज़नेस करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें ये बाइफरकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमें किसे गुड्स माने और किने असेट्स माने, क्योंकि हमें सभी चीज़ें जो भी हम फिज़िकली देखते हैं वो हमें सभी गुड्स ही नज़र आती है। जैसे कि एक छोटे से मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल में मैंने देखा कि मिस्टर राम परचेस अ फर्नीचर रुपीस 1 लाख फ्रॉम मिस्टर मोहन। चलो सर, क्या मेरे इस एग्जाम्पल में ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर क्या गुड्स है? यस और नो? नहीं सर, ये आपके लिए गुड्स नहीं है। क्या कारण है ये गुड्स नहीं है? सर, ये गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे रेगुलरली सेल परचेस नहीं करते हो। रेगुलरली सेल परचेस नहीं करते हैं सर। आपने ये एक टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना बच्चों, स्मूथली रन करने के लिए मैंने बिजनेस में एक जो फर्नीचर परचेस किया ताकि मैं गुड्स को स्मूथली बेच पाऊँ, तो ये फर्नीचर मेरे बिजनेस के लिए गुड्स नहीं है। क्लियर है? चलो देखते हैं तो फिर गुड्स है क्या। सर, गुड्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो आइटम्स, प्रोडक्ट, आर्टिकल्स विच आर रेगुलरली ट्रेडेड। क्या होना चाहिए गुड्स जो होगा वो क्या होगा? रेगुलरली ट्रेडेड होगा बाय द बिजनेसमैन, के द्वारा आर कॉल्ड गुड्स। समझ में आई बच्चों? आइटम्स, प्रोडक्ट, आर्टिकल विच आर रेगुलरली ट्रेडेड बाय द बिजनेसमैन आर कॉल्ड गुड्स। सर, रेगुलरली ट्रेडेड का मतलब आप समझते हैं मतलब क्या? देखते हैं। मान लो मिस्टर राम की एक शॉप है, ठीक है? क्या करते हैं सर? सर, उस शॉप में वो एक टाइप के जनरल मर्चेंट है, किराने का सामान है, इस टाइप से कुछ बेचते हैं। अब उस जनरल मर्चेंट की उनकी शॉप में कुछ कोलगेट के पीस रखे हुए हैं, जिसे वो क्या करते हैं, रेगुलरली सेल करते हैं और परचेस करते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या ये कोलगेट के जो पीस रखे हुए हैं, क्या ये गुड्स हैं? यस सर, ये बिल्कुल गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि सर, हमने गुड्स की डेफिनेशन में ऊपर देखा था कि गुड्स की डेफिनेशन जो स्टार्ट हो रही थी वहाँ पर उन्होंने देखा था कि आइटम्स, प्रोडक्ट, आर्टिकल विच आर रेगुलरली ट्रेडेड। तो किराना मर्चेंट के लिए तो कोलगेट पीस जो है वो क्या है? ये गुड्स है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलरली ट्रेड हो रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि किराना मर्चेंट इसे खरीदता है, बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, बेचता है, रेगुलरली इन प्रोडक्ट में वो डील करता है। बट ऊपर वाले हम एग्जाम्पल में देखें तो किराना मर्चेंट अगर अपने आप पर गुड्स को जमाने के लिए, गुड्स को प्रॉपरली ऑर्डर में प्लेस करने के लिए फर्नीचर जो परचेस करता है, वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण सीधा सा है, क्योंकि फर्नीचर रेगुलरली ट्रेड नहीं हो रहा है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फर्नीचर वाले, अब मेरे एग्जांपल में समझना, एक फर्नीचर की शॉप वाला है,
वो अपने यहाँ पर फर्नीचर रखता है। फर्नीचर में जैसे बेड है, टेबल है, चेयर है और एक्सेट्रा, और बहुत सारे फर्नीचर के आइटम्स रखता है। तो अब मेरे इस एग्जांपल में बताओ कि फर्नीचर शॉप वाले के लिए जितने भी प्रोडक्ट के नाम मैंने लिखे अभी आपके सामने, क्या ये प्रोडक्ट फर्नीचर की शॉप वाले के यहाँ पर गुड्स है या नहीं है? यस सर। अब यहाँ पर ये फर्नीचर वाले के लिए, जो फर्नीचर की शॉप वाला है उसके लिए यहाँ पर ये जितने भी आइटम्स आपने लिखे ये सभी क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। बट ऊपर वाले एग्जांपल में गुड्स नहीं था, क्यों? क्योंकि मिस्टर राम का बिजनेस फर्नीचर को सेल परचेस करना नहीं था, मिस्टर राम का बिजनेस था किराने का, और किराने के बिजनेस में उन्होंने फर्नीचर को एज ए असेट्स परचेस किया था, ताकि वो किराना आइटम्स को स्मूथली उन्हें उन आइटम्स को फर्नीचर में प्लेस कर सके और उसने बेच सके। क्लियर है? बट सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हमने फर्नीचर की शॉप वाले के लिए बात करी, तो फर्नीचर के शॉप वाले के लिए बेड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा और यदि जो भी आइटम्स है वो सारी आइटम्स उनके लिए गुड्स होगी। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो एक ज्वेलरी के शॉप है, ज्वेलरी के शॉप वाले, ज्वेलरी के शॉप वाले के लिए के यहाँ पर रिंग रखी हुई है और इसके अलावा अदर ज्वेलरी रखी है और बहुत सारी ज्वेलरी जो जो भी होती है इसके अलावा अदर ज्वेलरीज रखी हुई है। तो मुझे बताओ ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ये रिंग या इसके अलावा जितनी भी और ज्वेलरी, इसके अलावा जो भी ईयर्स होती है वो सारी क्या यहाँ पर ज्वेलरी शॉप वाले के लिए गुड्स है या नहीं है? यस, ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ये गुड्स है। चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बदलते हैं, और मैंने कहा कि ज्वेलरी शॉप वाले के यहाँ से मिस्टर राम जो है वो एक रिंग परचेस करते हैं, तो मुझे बताओ क्या ये रिंग मिस्टर राम के लिए गुड्स है या असेट्स है? चलो सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपका, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। मिस्टर राम के लिए ये रिंग गुड्स है या असेट्स है? सर मिस्टर राम के लिए ये गुड्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर इसमें एक जो फीचर्स है गुड्स का, क्या फीचर्स है सर? रेगुलरिटी, रेगुलरिटी नहीं है। मिस्टर राम के लिए ये क्या है? असेट्स है। समझ में आया बच्चों? मिस्टर राम के लिए रिंग क्या है? असेट्स है। बट वही ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ये रिंग क्या थी? गुड्स थी। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस ही क्या था? ज्वेलरी का, और रिंग बेचना खरीदना वो ये इनका नॉर्मल बिजनेस था, रेगुलर बिजनेस था, जहाँ पर वो रिंग को खरीदते थे और रिंग को बेचते थे। बट वही रिंग अगर एक पर्सन अगर परचेस करे तो वो रिंग उनके लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी, न कि उनके लिए गुड्स हो जाएगी। चलो एक 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 वो छोटा सा एक एग्जाम्पल देखें। मान लो एक कंस्ट्रक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर का वर्क क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना और उसे सेल करना, कंस्ट्रक्ट करना सेल करना। तो बताओ एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए बताओ ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बताओ क्या है? सर ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए सिर्फ क्या है? ये गुड्स है। बट अगर यही बिल्डिंग, यही बिल्डिंग, यही बिल्डिंग मिस्टर मोहन अगर परचेस करे, मिस्टर मोहन इस बिल्डिंग को क्या कर ले? परचेस कर ले। किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर से अगर ये बिल्डिंग परचेस कर ले तो मिस्टर मोहन के लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। तो सर आपको मैंने चार एग्जांपल आपके सामने रखे, इन चारों एग्जांपल में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि गुड्स क्या होते हैं और असेट्स क्या होती है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी रखा है कि अगर मोबाइल शॉप ऑनर के लिए मोबाइल फ़ोन्स जो है, एक मोबाइल शॉप ऑनर के लिए मोबाइल फ़ोन्स जो है वो एज अ गुड्स है, क्योंकि उनका वो रेगुलर परचेस और सेल करते हैं, रेगुलर बिजनेस है। बट फॉर अ सेम मोबाइल शॉप ऑनर इफ अ परचेस फर्नीचर फॉर कैरिंग द मोबाइल फोन्स देन द फर्नीचर इज नॉट अ कंसिडर्ड एज अ गुड्स फॉर हिम। क्लियर? चलो सर, गुड्स को हम थ्री वेज में क्लासीफाइड करते हैं। सर गुड्स हमारे बिजनेस में तीन तरीके से हो सकते हैं। बिजनेस क्या सर? बिजनेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। देखा था हमने उस दिन सेट ऑफ एक्टिविटी की डेफिनेशन को देखा था। सेट ऑफ एक्टिविटी में हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा था, ट्रेडिंग देखा था एंड सर्विसेज को कंसिडर्ड किया था। तो
अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेस करेगा और उससे फिनिश गुड्स बनाने का काम करेगा, ये मैन्युफैक्चर है। ट्रेडिंग वाला क्या करेगा सर, गुड्स को परचेस करेगा, उन्हें सेल करने का काम करेगा। और सर्विसेज में तो कोई गुड्स होता ही नहीं है, क्योंकि सर्विसेज तो नॉलेजेबल होती है, एक पर्सन अपने नॉलेज को डिलीवर्ड करता है तब वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने गुड्स को थ्री टाइप से क्लासिफाई किया है। गुड्स एक बिजनेस में या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है या वो WIP के फॉर्म में हो सकता है। यस सर, मीनिंग समझना, क्योंकि आगे जाकर अब बिजनेस की बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स को हम सीखने वाले हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, WIP क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, वो करती है मैन्युफैक्चरिंग से रेडीमेड गारमेंट्स कंप्लीट बनाने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो कॉटन परचेस करती है और कॉटन से क्या क्या बनाती है सर, कॉटन से वो सीधे सीधे क्या बनाती है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। समझना मेरी बात को, मान लो कि एक रेडीमेड गारमेंट्स है और वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो बनाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं जहाँ पर वो एज ए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं कच्चा माल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि एक टी बनाने वाले के लिए, टी शॉप वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या है, टी बनाने वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या है सर, टी बनाने वाले के लिए रॉ मटेरियल तो मिल्क है। ओके ठीक है, सही कहा आपने, बट टी बनाने वाले के लिए फिनिश गुड्स क्या है, टी बनाने वाले के लिए फिनिश गुड जो है वो जो टी बनाकर तैयार कर देता है, जो एंड यूज़ के लिए काम में आ जाती है, वो होगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिनिश गुड्स है। तो इसी तरह से हम एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली, मान लो कोई सी एक कंपनी की बात करते हैं कि उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन है। क्या है वो, कॉटन। कॉटन मतलब वो मार्केट से कॉटन परचेस करते हैं। अब कॉटन से सर वो कॉटन को प्रोसेस करते हैं। कॉटन को क्या करते हैं, मान लो ये प्रोसेस चल रही है, कॉटन को प्रोसेस करी, ये कॉटन की प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज पर कॉटन से बनकर उन्होंने तैयार किया थ्रेड। क्या तैयार किया, थ्रेड तैयार किया मतलब धागा तैयार किया, धागा। ठीक है, अब धागे को उन्होंने फिर से प्रोसेस किया, ये प्रोसेस करने के बाद इस थ्रेड से उन्होंने क्लॉथ बनाए, कपड़े बनाए। क्या बनाया उन्होंने, कपड़े। क्लॉथ को फिर उन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उन्होंने उस क्लॉथ को स्टिच किया। ठीक है, स्टिच करने के बाद तो बताओ क्या बनकर रेडी हुआ सर, रेडी हुआ गारमेंट्स बनकर, कपड़े बनकर तैयार हुए रेडीमेड। अब उन्होंने उसको फिनिशिंग किया, फिनिशिंग करने के बाद ये रेडीमेड गारमेंट्स बनकर क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। समझ में आया? तो हमने जब भी कोई कंपनी ने एक वर्क किया तो यहाँ पर उन्होंने रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया और फिनिश गुड्स बनाने का काम किया। क्लियर है? रॉ मटेरियल जो फर्स्ट टाइम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है और बिना इसके गुड्स को तैयार ही नहीं किया जा सकता है। बिना रॉ मटेरियल के आप गुड्स को तैयार कर सकते हो, नहीं सर, बिना रॉ मटेरियल के हम गुड्स को बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल जो हो गया वो कॉटन हो गया। तो चलो, हमने डेफिनेशन में देखा कि गुड्स को थ्री फॉर्म में, बोलो क्या ये गुड्स है, हमें तो गुड्स की डेफिनेशन समझनी है, हमें प्रोसेस नहीं समझना, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं समझना है यहाँ पर, हमें तो सिर्फ समझना है क्या रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए गुड्स है या नहीं है। क्या वो रॉ मटेरियल को, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बार बार खरीदते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं, यस सर। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, गुड्स हो गया। चलो सबसे पहले मैं फिनिश गुड्स की बात करता हूँ। चलो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस है, ये सारी जितनी भी आपने की है, ये सब क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपने रेडीमेड गारमेंट्स बनाकर तैयार किए, क्या ये रेडीमेड गारमेंट्स फिनिश गुड्स जो है, क्या ये भी गुड्स है? यस सर। रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी को बेचना क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स ही बेचना है ना, तो रेडीमेड गारमेंट्स इनके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। पर अगर कोई रेडीमेड गारमेंट, जैसे मान लो एक छोटा सा एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक मशीन है, इस मशीन में यहाँ से रॉ मटेरियल को एंटर किया जाता है,
यहाँ से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को एंटर किया। ये एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस चल रही है, ये मशीन है, मशीन पाइपलाइन है, इस प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस में यहाँ पर जब भी गुड्स आता है तो यहाँ से फिनिश गुड्स बनकर ही निकलता है। क्या निकलता है, हमने रॉ मटेरियल इंटर किया और ये फिनिश गुड्स है। बट जो रॉ मटेरियल मशीन में इंटर हो चुका है बट अभी तक फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल क्या हो चुका है, इंटर हो चुका है पर अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो इस प्रोसेस में होगा। वो गुड्स कहाँ होगा, रॉ मटेरियल से तो इंटर हो चुका है, मशीन के इस पार्ट से वो इंटर हो चुका है और वहाँ से निकलने वाला था, इस साइड से वो निकलने वाला था फिनिश गुड्स बनकर, बट अभी तक न तो वो निकला है, वो इंटर भी हो चुका है। तो ऐसे गुड्स को हम कहेंगे WIP, वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है, अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट वर्क, इनकम्प्लीट वर्क। तो क्या ये भी गुड्स है? यस सर, जब हमने कहा कि रॉ मटेरियल हमारे लिए गुड्स है, फिनिश गुड्स हमारे लिए गुड्स है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो माल रखा हुआ है जो न तो कंप्लीट हुआ है और नहीं वो रॉ मटेरियल है, तो वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा, वो भी हमारे लिए क्या होगा, वो भी हमारे लिए गुड्स होगा। इस गुड्स को हम न तो रॉ मटेरियल कह पाएंगे, नहीं हम इन्हें फिनिश गुड्स कह पाएंगे, इन्हें हम सिर्फ क्या कहेंगे, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया? चलो मैं आपको रियल लाइफ से जोड़कर एक एग्जांपल और बात करता हूँ। हम रोड पर चलते हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, मान लो हाईवे पर जा रहे हैं, ये हाईवे है हमारा, ये इस साइड का हाईवे, समझ में आया? इस हाईवे पर जैसे जैसे हम चलते चलते यहाँ पर एक डाइवर्जन आता है और यहाँ पर लिखा है WIP, याद करो सर, हमने सब जगह हम सब लोगों ने इस तरह से कुछ ना कुछ हाईवे पर चलते हुए देखा है, जब रोड अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है किस तरह से रोड बनने का, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये WIP लिखा है। WIP का मतलब सर ये रोड बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, W वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी कुछ गुड्स जो बनकर तैयार नहीं होते हैं और जो अंडर प्रोसेस होते हैं उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, WIP। आई होप कि आपको गुड्स की डेफिनेशन में आपने रॉ मटेरियल के मीनिंग को सीखा, WIP के मीनिंग को सीखा और साथ साथ में आपने फिनिश गुड्स के मीनिंग को भी सीख लिया। क्लियर? चलो आगे एक और चलते हैं, तो हम देखते हैं आगे, हमने देखा कि चलो अब उसको स्पेसिफिक डिफाइन तो करना होगा, हमने तो एक सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू देखा। तो रॉ मटेरियल, इट रेफर्स टू द बेस मटेरियल, बेस मटेरियल जिससे हमें फिनिश गुड्स बनाना है वो उसके लिए बेस मटेरियल है। इट रेफर्स टू द बेस मटेरियल फ्रॉम विच फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जिससे फिनिश गुड्स क्या किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड किए जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा है, वाटर बॉटल्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। एक वाटर बॉटल आपने सभी ने देखी है, मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, वाटर बॉटल आपने सभी ने देखी, बिस्लेरी की बॉटल। तो बिस्लेरी की बॉटल आपके लिए वो फिनिश गुड्स है, जो सामने दिख रहा है बनकर रेडी है, उसमें आप यूज़ कर रहे हो, उसे एंड यूज़ हो चुका है उसका, यस। तो वाटर बॉटल जो है वो आपके लिए क्या है, फिनिश गुड्स है। बट आप देखो कि वाटर बॉटल बनी कैसे होगी, सर उस वाटर बॉटल को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा होगा। तो बताओ वाटर बॉटल बनाने के लिए वो जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक बताओ उस वाटर बॉटल बनाने वाली कंपनी के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या वो रॉ मटेरियल उस कंपनी के लिए गुड्स है? यस सर, उस कंपनी के लिए वो क्या है, गुड्स है। और वाटर बॉटल क्या है, फिनिश गुड्स है। तो फिनिश गुड्स भी उनके लिए क्या है, वो भी गुड्स है। समझ में आ गई? चलो सेकेंड डेफिनेशन, वर्क इन प्रोग्रेस, द थिंग दैट आर करंटली इन प्रोसेस। देखो हमने एग्जाम्पल में पाइपलाइन में करंटली इन प्रोसेस, प्रोसेस आर कॉल्ड द वर्क इन प्रोग्रेस। द थिंग दैट आर करंटली इन प्रोसेस आर कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चरर मतलब कि वो पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है, उसने वो प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गुड्स क्या होते हैं सर? अब समझ में आ गया हमें, हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि गुड्स वही होते हैं जिन्हें रेगुलरली ट्रेड किया जाता है, बस इसके अलावा कोई गुड्स नहीं होते हैं। सर हमने देखा कि गुड्स जो होते हैं वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो WIP के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर? चलो सर, अब हमने गुड्स की डेफिनेशन तो देख ली,
अब हमें देखना है कि जैसे हमने रॉ मटेरियल देखा है, WIP देखा है, फिनिश गुड्स देखा है, तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है सर? बिजनेस के नेक्स्ट टर्म्स, हमेशा लाइफ में अकाउंटिंग जहाँ जहाँ हम देखने जाएंगे वहाँ वहाँ पर हमें ये सारी टर्म्स जितने भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारी टर्म्स आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। ध्यान से समझना, क्योंकि तो जब तक हमने अपने नीम को मजबूत नहीं किया, हमने बेस क्लियर नहीं किया, तो हम आगे की लाइफ में जितनी भी हायर लेवल पर स्टडी करने जाएंगे हमें हमेशा समस्याएँ आती रहेगी। हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि गुड्स क्या है, असेट्स क्या है, स्टॉक क्या होता है। तो बेस अच्छे से क्लियर करना है। नीव मजबूत होती है ना बेटा, नींव मजबूत होती है ना तो बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्लियर है? तो हमें नींव मजबूत करना है, ठीक है? हमें अपना बेस क्लियर करना है। सर इन्वेंट स्टॉक को क्या कहते हैं? सर स्टॉक को एक नाम हो रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक को एक तरह से यूज करते हैं, स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी सर स्टॉक क्या होता है? आपने सभी तरह से स्टॉक, जनरल मीनिंग स्टॉक आपने अपने देखा होगा। आप अगर आपकी एक किराना शॉप है, अगर आपकी एक किराना शॉप है तो आपकी दुकान पर जो माल रखा हुआ है, आपकी दुकान पर जो माल रखा हुआ है वो आपके लिए स्टॉक है। समझ में आ गया मेरी बात? अगर आपकी किराना शॉप है और आपकी दुकान में माल रखा हुआ है तो वो आपके लिए क्या होगा? स्टॉक होगा, ठीक है? सर अगर मैं मंडी का बिजनेस करता हूँ, गेहूँ खरीद के गेहूँ बेचने का काम करता हूँ, तो बताओ आपके गोडाउन में जितने गेहूँ के थैले, जितने गेहूँ के बैग्स अगर आपके गोडाउन में रखे हुए हैं वो सब आपके लिए स्टॉक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखते हैं सर। इट रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। यस सर, मतलब स्टॉक के मीनिंग को हमें गुड्स के साथ रिलेट करके ही देखना होगा। हम स्टॉक को सिर्फ गुड्स के साथ ही देखेंगे, इसके अलावा नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? तो इट रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर। एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर। तो सर स्टॉक हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है। सर वो क्या हो सकता है? सर स्टॉक या तो ओपनिंग हो सकता है, स्टॉक या तो क्या हो सकता है? ओपनिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? क्लोजिंग हो सकता है। क्लियर है? सर मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि हमारा जो बिजनेस है, हम एक दिन की बात करते हैं, एक दिन का स्टॉक की बात करते हैं, बाकी अभी तो हायर लेवल पर हम जाने की बात ही नहीं करते हैं। मान लो आज डेट है 30 मार्च, कल डेट थी 29 मार्च। क्लियर है? सर जब कल मैंने एक किराना शॉप की बात करते हैं, किराना शॉप, और किराना शॉप में भी सिर्फ मैं एक छोटे से प्रोडक्ट की बात करता हूँ, वो बात करता हूँ कोलगेट की। क्लियर है? तो समझना मेरी बात को। किराना शॉप वाले के लिए 29 मार्च को जब वो शॉप बंद करके जा रहा था, उस दिन उसके पास 30 पीसेस जो थे वो कोलगेट के थे। 30 पीसेस क्या थे उस दिन उसके पास? कोलगेट के थे। तो मुझे बताओ 29 तारीख के दिन जब वो शाम को अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, अपनी दुकान को क्लोज करके जा रहा था, उस दिन मुझे बताओ उसके पास कितने कोलगेट के पीस रखे हुए थे? सर 30 पीस रखे हुए थे। समझ में आ गया? मुझे बताओ यही 30 पीस सुबह आकर जब वो अपनी दुकान को फिर से खोलेगा तो वही 30 पीस होंगे उसके पास? यस सर। ऑब्वियसली अगर पिछले रात के दिन जब वो दुकान क्लोज करके जा रहा था तो 30 पीस उसके पास थे, तो सुबह आने के बाद भी तो 30 पीस ही होंगे ना? यस सर। समझ में आ रहा है मुझे? थोड़ी थोड़ी बात को बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मान लो उसने 30 तारीख के दिन दिन भर में पूरे ड्यूरिंग द डे उसने 50 पीसेस और परचेस कर लिए। ओके, कितने पीस और परचेस कर लिए? 50 पीस। तो मुझे बताओ उसके पास टोटल पीस कितने हो गए? सर उसके पास टोटल पीस हो गए 80। और जब वो शाम को फिर शॉप को क्लोज कर रहा था तो उसने देखा कि सर आज शाम को मेरे पास सिर्फ कितने पीसेस थे? 20 पीसेस थे। 80 पीस
उसके पास टोटल हो गए थे, जिसमें से शाम को एंड में जाते जाते उसके पास सिर्फ कितने पीस रखे हुए थे, 20 पीस रखे हुए थे। यानी उसने 60 पीस क्या कर दिए होंगे सर, उसने 60 पीस क्या कर दिए होंगे, सेल कर दिए होंगे। समझ में आ रहा है सर? अब मुझे थोड़ी सी बात समझ में आने लगी है कि स्टॉक क्या होता है सर। स्टॉक, अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक क्या होता है सर। 29 मार्च के जिन दिन जो 30 पीस हमारी दुकान में रखे हुए थे, वो 30 पीस 29 मार्च के दिन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। दुकान को क्लोज करते समय जो मेरे पास स्टॉक रखा हुआ था 30 पीसेस का, वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। पर वही 30 पीस जब मैंने सुबह दुकान आकर खोली 30 मार्च के दिन, तो 30 पीस वही क्लोजिंग स्टॉक 30 मार्च के लिए क्या बन गए, ओपनिंग स्टॉक बन गए। समझ में आ गए, है ना? मान लो आपकी एक दिन आपके पापा ने आपको 1,000 रुपये दिए, शाम को देखा तो आपके पास कितने 100 रुपये बचे हुए थे, तो शाम को जेब में कितने रखे हुए थे, 100। तो बताओ सुबह भी कितने निकलेंगे, 100 ही निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है रात भर में 100 रुपये ने ब्याज कमा लिया और 10 रुपये ब्याज हो गया, टोटल 110 रुपये हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 रुपये अगर जेब में रखे हुए शाम को, तो अगले दिन भी निकलेंगे कितने ही, 100 ही निकलेंगे। क्लियर? पापा ने उस दिन वापिस से आपको फिर से 100 रुपये दिए, या मान लो 500 रुपये दिए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 600 रुपये हो गए। क्योंकि 100 सुबह थे, 500 और दे दिए, टोटल कितने हो गए, 600। और शाम को जाते जाते फिर आपके पास 200 बच गए, यानी आपने 400 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो मुझे बताओ एक दिन पहले कितना का पैसे रखे हुए थे आपकी जेब में सर, 100 रखे हुए थे। नेक्स्ट डे भी कितने निकले, 100 ही निकले। मीन्स द ओपनिंग आपके पास अमाउंट कितना था, 100 का था। उस दिन के एंड में जाते जाते पास आपके पास अमाउंट कितना रह गया, 200 रुपीज़ ही रह गया। यानी हमने सब चीज़ों को देखे, तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा कि 30 पीस एक दिन पहले जब उस टर्म्स को यूज़ किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक की टर्म्स में यूज़ किया, पर नेक्स्ट डे वही टर्म्स बदल कर क्या हो गई, ओपनिंग स्टॉक हो गई। उस दिन के एंड में 30 तारीख के एंड में वापिस से देखे तो 20 पीस और बचे हुए हमारे पास कोलगेट के। तो बताओ ये 20 पीस क्या होंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। ये 20 पीस जो होंगे ये होंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की फिर से और कोशिश करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सर ईयर अभी छोड़ दो, ईयर का मीनिंग क्या, अभी मैं सब बताऊंगा ईयर का मतलब क्या होता है, क्या किन ईयर को हम यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग में, सब बाद में समझते हैं। अभी तो सिंपल सा मीनिंग समझो। स्टॉक एट द बिगिनिंग, दिन के शुरुआत में कितना स्टॉक था, एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में आपके पास कितना स्टॉक था। बस दिन के शुरुआत में जो स्टॉक था वो ओपनिंग, और दिन के अंत में जो स्टॉक था वो क्लोजिंग। क्लियर? चलो सर देखते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, मिस्टर ए परचेस 10,000 किलोग्राम ऑफ शुगर इन 2019। 2019 में उन्होंने 10,000 किलोग्राम शुगर क्या किए, परचेस किए। ही सोल्ड 8,000 किलोग्राम थ्रू आउट द 2019। 2019 में उन्होंने थ्रू आउट द ईयर 8,000 किलोग्राम शुगर क्या कर दिए, सेल कर दिए। इन दिस केस, देखा इस केस में 10,000 परचेस किए, 8,000 बेच दिए, 2,000 क्या होगा, 2,000 बची है, 2,000 बची है। तो 2,000 जो बची है वो उसके लिए बताओ क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। चलो 2020 का फिर से बिगनिंग होगा, अगले साल फिर चालू होगा, तो अगले साल के लिए बताओ क्या होगा, 2,000 किलोग्राम। सर 2,000 किलोग्राम ये ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्टॉक, वो स्टॉक कितने टाइप के होंगे, ओपनिंग और क्या होगा, एंड। बिगनिंग ऑफ द ईयर में, बिगनिंग ऑफ द डे में अगर हम किसी स्टॉक की बात करेंगे तो वो ओपनिंग होगा, और एंड ऑफ द डे पर हम किसी स्टॉक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो सर आज हमने दो डेफिनेशन को देखा, गुड्स क्या होते हैं, और साथ साथ में हमने देखा कि स्टॉक क्या होते हैं। क्लियर? चलो आज हम सिर्फ यही डेफिनेशन को देखेंगे, गुड्स और स्टॉक के डेफिनेशन। आगे आगे धीरे धीरे आराम से स्मूथली हमें रीड करना है, स्मूथली हमें बेसिक टर्म्स को आराम से सीखना है, और हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हम अपने जो बड़े लेवल पर आएंगे कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होती कैसे है, फिर हम चीज़ों को, क्योंकि जब तक हम अपने बेसिक टर्म्स को नहीं सीखेंगे हम आगे चीज़ों में अकाउंटिंग की टर्म्स को सीख ही नहीं पाएंगे। क्लियर? धन्यवाद। स्टे होम सेफ होम। थैंक यू।